आपने जो सवाल तहरीर फरमाया है उसका जवाब बिल्कुल हम अर्ज करेंगे, लेकिन ये जैसे आपने सफ़ा काटा है ना, इससे पता चलता है कि आप ज़िंदगी को हुस्न के उस मयार पर नहीं रखते जिस मयार पर रखना चाहिए। हुस्न वो होता है जहाँ देखने का सामान शिकस्त खा जाए। ये छोटी छोटी चीज़ें इंसान की फिक्री रुझानात की नुमाइंदगी होती। खलीफा मोहम्मद बिन सलमान ने, ये खलीफा कब से हुए, खिलाफत तो रही नहीं भाई, अब तो दारुल खिलाफा भी कोई ना रहा, आखिरी दारुल खिलाफा इस्तंबोल था ना, ख़त्म हुआ 1924 में। कागज़ के फाड़ने से समझ नहीं सारे कुछ आया। जी हाँ, CNN में इंटरव्यू के दौरान एतराफ किया कि मुसलमानों में वहाबी फ़िरका हमने अपने मगरबी दोस्तों की ख्वाहिश पे पैदा किया, हमने मसाजिद और मदारस पर इन्वेस्टमेंट की और अब हम अपने मगरबी दोस्तों की ख्वाहिश पर इस फंडिंग को बंद कर रहे हैं। ये इसमें उन्होंने कोई नया इंकशाफ नहीं किया, हम पहले भी कहते थे, हम अब भी कहते हैं। दुनिया में इस वक्त जो काम पेंडिंग में पड़े हुए हैं ना, उनमें से एक काम वहाबियत की, दुनिया में जो काम पेंडिंग में पड़े हुए हैं ना मुसलमानों के जिम्मे, उनमें से एक काम वहाबियत की तारीख को लिखना भी। हमें आपसे कोई एक एक टक्के का फ़ायदा नहीं उठा, हम क्यों झूठ बोलें। लंदन में हमारे पासपोर्ट, हमारे ख़ानदान वाले गवाह, 6-6 महीने हम लंदन में रहे हैं और इतनी मर्तबा गए हैं कि मैं खुद याद नहीं, और 6-6 माह में कोई काम नहीं था सिवाय इसके कि सुबह उठे और एक कप चाय पिया और इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी चले गए, दोपहर को उतरे, सामने मछली की एक दुकान से मछली खाई, जाके फिर बैठ के पढ़ने, और फिर शाम को जब लाइब्रेरी बंद हुई तो उठ के घर चले गए। सारी वहाबियत का रिकॉर्ड जो अंग्रेज़ों ने वहाँ रखा हुआ है और जो मुआहदे हुए हैं खिलाफत उस्मानिया को तोड़ने पे, इन वहाबियों ने कुछ भी जुर्म ना किया हो तो इनका ये थोड़ा बड़ा जुर्म है कि इन्होंने उर्दन के जो शाह हैं, इनके दादा परदादा ने, जो शाम के हैं इन लोगों ने, इन सब ने मिलकर खिलाफत उस्मानिया को तोड़ा, इन सब ने मिलकर खिलाफत उस्मानिया को बिल्कुल बिखेर के रख दिया। जो पैसे लिए, जो मुआहदात हुए, बरतानिया ने तेल निकालने पे जो कुछ कहा और बरतानिया के शाही ख़ानदान से जो मुआहदे हुए कि किस तरह करेंगे, ये सब वहाँ पड़े हुए हैं। कोई बच्चा वक्फ कर दे अपनी ज़िंदगी को, बशर्ते कि उसका बाप 1-2 करोड़ छोड़ के मर जाए और कहे बेटे इस पे काम करो, इस वहाबियत की तारीख कोई लिखे कि वहाबियत है क्या और ये मुसलमानों में किस तरह अरूज पाई और इन लोगों के बरगोबार क्या थे और इनके मुआहदात क्या थे। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में, जो अब ब्रिटिश लाइब्रेरी के नाम से मशहूर है लंदन में, सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है इनका, किस तरह उन्होंने खरीदा, किस तरह उन्होंने कहा कि शिया सुन्नी की बुनियाद रखो, सुल्तान अब्दुल अजीज़ का बेटा किस तरह गया हर नजफ में, सैयदना अली रजी अल्लाह उनके आग को मिजार को आग लगाया, किसी की भी कब्रें जलाना जायज़ हैं, मेरे बाप की कब्र को जो जाके जलाए तो मुझे कुछ दुख नहीं होगा, सैयदना हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह उन्हु के मिजार पे आग लगा के आ गए,
और जो इन्होंने वक्फ लूटा है वहावियों ने वहां, और जो करतूत इन्होंने किए हैं वो थोड़े, हत्ता के वहां का नजफ का एक शिया उठा बाकर, और वो आया और उसने दरिया में आके इसके बेटे को कत्ल कर दिया। उसने कहा हमने अपना बदला ले लिया, और इन्होंने सारे इलाकों में शिया सुन्नी फसाद मचा दिया, इनके नजदीक सब वाजिबुल कत्ल। शामी जैसा आदमी जिस पे पिछले पौने 200 साल से फिकह हनफी का दारो मदार है, वो अकेला शख्स, वो तो 54-55 बरस की उम्र में उनका इंतकाल हो गया रहमतुल्लाह, अगर और जिंदगी होती तो कितने बड़े कारनामे अंजाम देते, वो ऐनी शाहिद है इन सब चीज़ों के। अपनी शामी में वो लिखते हैं कि ये सब वहाबी खारजी हैं जो खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, इनका इससे बड़ा जुर्म कोई नहीं कि खिलाफत उस्मानिया को इन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिया अंग्रेजों के कहने पर। बटलर ने जो किताब लिखी है, वो मुरतब करने से पहले मर गया, उसकी याददाश्तें थी हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर जो हमला किया है और नीचे चले गए हैं और जाकर कब्र शरीफ को जो तोड़ा है वो किस खाते में है, कोई एक जुर्म है इनका। ये तो अभी 2 साल पहले की बात है, कह रहे थे कि हजूर अकद सल्ला आसम का मज़ार सबसे बड़ा शिरक का अड्डा है, लिहाजा रातों रात खुदाई करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म मुबारक को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दो, बाद में इस पर बिल्डोज कर देना। तो माशाल्लाह शाही खानदान से जवाब आया कि बात मुनासिब नहीं, पकड़ के उसको ताजीर नहीं लगाते कि हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तोहीन करते हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम मुसलमान भी होते, हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था किसी को कब्र के साथ टेक लगा के बैठे हुए, तो आपने फरमाया तुम्हें पता नहीं है कब्र वाले को इससे तकलीफ होती है, हटो यहां से, नीचे चले गए जाके लूट मार की। उस्मानियों का पहला गवर्नर जब मदीना मुनव्वरा में आया था तो उसने कहा, ताजरों को बुलाया और पहली मरतबा उससे रोजा मुबारक पे हाजिरी देनी थी, उसने कहा बताओ सबसे बड़ा हीरा कौन सा है, बताया गया 80,000 तोले सोने का हीरा है, उसका ले आओ 80,000 तोले अदा किए और हीरा सोने की प्लेट में जड़वा के कब्र शरीफ पे नीचे चला गया और बस कब्र पे रखा और कहा अल्लाह के रसूल ये मेरी तरफ से आपकी खिदमत में हदिया है, बस चुप करके हट गया और रो पड़ा। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ पे लोगों की जानें कुर्बान हो गई। 2 साल तक मदीना मुनव्वरा का 4 साल तक मुहासरा रहा है, उस्मानियों ने तलवार नहीं उठाई, उस्मानियों ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाना है, क़यामत में कहेंगे मेरे शहर में कत्लो गारत गरी होती रही और इन्होंने भी जालमों ने, कोई एक इनका है, कोई एक चीज़ है इन्होंने की, क्या इसकी तारीख सुनाएं। मसाजिद मदारिस इन्वेस्टमेंट उन्होंने बाकायदा की, बरसगीर में इन्वेस्टमेंट नहीं की। सलफी हजरात अहले हदीस हजरात उनके बड़े बड़े उलमा देवबंदी मकतबा फिक्र के बड़े बड़े उलमा उनको चंदे नहीं दिए कि जाओ और ये काम करो। अफगानिस्तान की तहरीक में जितने लोग शामिल हुए हैं, सऊदीया का पैसा, अजीब जंग हुई, अरबों का पैसा, पठानों का खून और यहूदियों का दिमाग, ये इस्लाम के लिए जंग लड़ी है। दिमाग यहूदियों का, पैसा अरबों का और खून फिर पठानों का, क्या सारी उम्मत मुस्लिमा का यही किया है ना, और क्या किया। वो वक्त था जो आपके अगले सवाल का जवाब है, एक वक्त था 1980 में 90 में हमने देखा है उस दौर को अच्छी तरह से, पूरी दुनिया की कुव्वतें अहलुस्सुन्ना की पुश्त पनाई कर रही थी और शिया की शामत आई हुई थी, और हमारे दौर में पूरी दुनिया की कुव्वतें अब उनके पसे पुश्त हैं और हमारी शामत आई हुई। सियासत में कोई ऐसी गर्ज है ही नहीं सिरे से, हम तो सिर्फ उसको मजहबी और उम्मत के हवाले से देखते हैं कि उम्मत में क्या हो रहा है। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है कि जिसको दो ढंग के लफ्ज फारसी के पढ़ने नहीं आते और अरबी के नहीं पढ़ने आते, वो शाम को पूरा दरसे कुरान देता होता है टीवी पे और रमजान आ रहा है, फिल्म एक्ट्रेस आ गया और वो दीन सिखा रही है, ये कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये इलाहाद के अलावा और क्या चीज फैलाई जा रही है। इसीलिए अब ये जो इकदामात हो रहे हैं ना, इस पे अफसोस जिन लोगों को है वो उन लोगों को है जिनके पैसे बंद हो गए हैं,
जिनके चंदे मदारिस के बंद हो गए हैं, जिनके लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं कि पहले तो चंदा आता था, अब क्या करेंगे, अब वहां से तो चंदा आने से रहा, ये अब चीजें पेश आ रही। ऊंट से किसी ने पूछा था कि सर्दियां ऊपर चढ़ना अच्छा है कि नीचे उतरना, पहाड़ पे चढ़ना अच्छा है कि उतरना, उसे कहा हर दो लानत। भाई यही हाल है, वो जो पहले मगरबी कुव्वतें काम कर रही थी वहाबियत का प्रचार, और जो अब उसके खिलाफ कह रही हैं और उसके पीछे जो कुव्वतें हैं, दोनों एक ही जैसे हैं यार, अल्लाह के लिए क्या है, सही चीज क्या है? इखलास दोस्त से खुद दोस्त को तलब करना है, इखलास दोस्तों से अपनी मुरादों को पूरा करना नहीं है, सिंसेरिटी क्या है? वो जहां ताल्लुक होता है, आदमी कहता है आप ही मेरे हो जाएं, मुझे अपना बना लें, ये सिंसेरिटी होती है। ये नहीं है कि चूंकि ओहदा है लिहाजा इसके ओहदे से फायदा उठाओ, पैसा है तो उसके पैसे से फायदा उठाओ। वो पहले कब मुखलिस हैं और अब कब मुखलिस हैं, उन्होंने पहले भी अपनी स्कीम चलाई है, एक नई अब स्कीम चल पड़ी है, 200-300 साल बाद फिर पता चलेगा कि हो ये क्या हो गया। इसीलिए मदीना मुनव्वरा में जब तबाही हुई है, सहाबा किराम रजी अल्लाह उन की कब्रों को तोड़ा है, हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादगारें मिटाई हैं, सहाबा किराम रजी अल्लाह से ज्यादा इन्हें खुदा की तौहीद पता चल गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से निकले हज के लिए और एक जगह एक पौधे के नीचे बैठे थे, अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा मदीना मुनव्वरा से पानी लेके आते थे, उस पौधे को देते थे कि हरा भरा रहे, कहीं खुश्क ना हो जाए। किसी ने पूछा हजरत ये क्या करते हैं, उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं है हजरत यहां तशरीफ फरमा हुए। मोहब्बतें तो ये हैं, सहाबा किराम रजी अल्लाह उनसे ज्यादा खुदा की तौहीद का इन्हें पता चल गया। सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम उस जगह पे पांव नहीं रखते थे जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पांव आ जाता। सबसे पहले मस्जिद नबवी में अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान रजी अल्लाह उन्होंने मिंबर के ऊपर हिस्से पे चादर बिछा दी और कहा यहां कोई ना बैठे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां बैठते। अदब और एहतराम था उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस्मानियों के दौर में नीचे से एक नागवार बू आने लगी जहां कब्र शरीफ है। अमीरुल मोमिनीन को लिखा गया खलीफतुल मुस्लिमीन को तुर्की में, उन्होंने कहा उम्मत में इस वक्त सबसे बड़ा आदमी कौन है? इंटेलिजेंस ने कहा सबसे बड़े आदमी उम्मत में इस वक्त फलां बुजुर्ग हैं जो मदीना मुनव्वरा में ही रहते हैं। खुद गवर्नर हाजिर हुआ और कहा कि बू है, हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीजें बड़ी नागवार गुजरती थी, कब्र शरीफ के करीब से आ रही है, आप जगह जाए। साफ इनकार कर दिया। जब ज्यादा इसरार हुआ तो उन्होंने कहा 40 दिन इजाजत दो, 40 दिन रोजे रखे और बाकायदा सारी नमाजें और सब कुछ और इस्तगफार करते रहे, इतने पाक होके नीचे गए और एक जानवर था बिल्ली या चिड़िया या कोई चीज का ढांचा उठा कर लाए और उन्होंने कहा यह है, वहां पे बिल्ली पहुंच गई थी और ये चीज हुई। फिर वो बोले नहीं, बहुत पूछा लोगों ने, मरते दम तक बोले नहीं, बस उन्हें कुछ चीज पता चल गई थी वहां, बोले नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र शरीफ का क्या क्या मुकाम और मर्तबा है, और ये जाकर लूट के ले आए, वहां से हीरे उठा कर ले आए, क्या क्या चीजें हैं जो नहीं की। सब चीजों का ताल्लुक पढ़ने से। पहले कौन लोग मौजूद थे? अहले सुन्नत ही मौजूद थे। ये जहां अब मस्जिद नबवी की तौसी में रबात आई है, यहाँ हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना रहमतुल्लाह की खानकाह थी, मदीना मुनव्वरा का चप्पा चप्पा मशायख से भरा हुआ था। उम्मत में जितने लोग वहां जाते थे ना अपनी तरबियत के लिए जाते थे, वो तरबियत के बुनियादी इदारे जो खत्म हुए हैं, तो अब मुल्कों के मुल्क शहर नहीं, मुल्कों के मुल्क खाली हो गए हैं, कोई आदमी नहीं मिलता जिसकी मजलिस में जाकर इंसान कोई अदब और एहतराम सीखे। वो इदारे खत्म कर दिए, तबाह कर दिए, मशायख को सूली पे चढ़ा दिया, अब ठंडे हो गए। अब उसके बाद पूरी उम्मत बेअदबी के मर्ज में मुब्तला हो गई। अब उन्हें पूछो जाके कि ये करतूत और ये कारनामे हैं जो तुमने किए हैं।